सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश में NHM के थ्रू CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसीज इसमें आप पर रिलीज़ हुई। इसमें दोनों तरीके के पद इसमें आप पर शामिल किए गए। इनमें दोस्तों CCH वाली इसमें आप पर वैकेंसी थी और साथ ही साथ इसमें बिना CCH वाली इसमें आप पर वैकेंसी है। तो आज का ये जो अपडेट है, जो CCH वाले कैंडिडेट्स हैं, इनके यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पे डाउट हैं, तो उन डाउट्स को यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए, बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए, CCH वाले कैंडिडेट्स, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, ये CCH वाली पोस्ट है और जिनके पास CCH का सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये सभी ये वाले ऑप्शन को कैंडिडेट्स यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें दोस्तों देखिए, जो मेन यहाँ पे जो सवाल कैंडिडेट्स का इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा CCH का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, और कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसा भी बोल रहे हैं कि उनको उनके कॉलेज द्वारा जब उन लोगों ने अपना CCH का कोर्स जो है कंप्लीट किया था, तो कॉलेज द्वारा जो है CCH दिया गया था सर्टिफिकेट, क्या वो वाला फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड करना है, या फिर जो नोटिफिकेशन में भर्ती के विज्ञापन में जो आप लोगों को CCH का सर्टिफिकेट आपको दिया गया, क्या वो वाला आपको यहाँ पे CCH का सर्टिफिकेट कोर्स इसमें आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये जानकारी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो देखिए, कैंडिडेट्स यहाँ जितने भी हैं जो CCH का सर्टिफिकेट कोर्स रखते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर जो है अपनी यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ पर कर ले रहे हैं, और यहाँ पे सेंटर्स को सिलेक्ट करने में भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही, और क्वालिफिकेशन भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं। बाकी जो भी डिटेल्स हैं ये भी यहाँ पे कैंडिडेट्स फिल कर ले रहे हैं। इसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और इसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपके लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है या फिर डिग्री है, तो ये भी अपलोड कर ले रहे हैं कैंडिडेट्स। इसके बाद जो यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, पहचान पत्र है, एड्रेस प्रूफ है, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पे प्रोवाइड कैंडिडेट्स करा दे रहे हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट्स के पास, तो ये भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखिए, जो अगला पॉइंट है जो आपको इसमें आप पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट एज़ पर द गिवन फॉर्मेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग कॉलेज। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपको निर्देश यहाँ पे दिया जा रहा है कि सर्टिफिकेट वही अपलोड आपको यहाँ पे करना है जो फॉर्मेट आपको दिया गया। लिखा है गिवन फॉर्मेट, तो आपको नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया गया है, और इस फॉर्मेट का प्रिंटआउट निकलवा के आप लोगों को जो भी आपका नर्सिंग कॉलेज है उसके प्रिंसिपल के पास जाना है, और जो भी सील और सिग्नेचर है उस सर्टिफिकेट पर आपके यहाँ पर लगे होना ज़रूरी है। काफ़ी कैंडिडेट्स के जो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका जो नर्सिंग कॉलेज है वो अलग से सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो देखिए साफ साफ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉर्मेट दिया गया है उसको लेकर जाना है, और आप लोग अपने नर्सिंग कॉलेज में जाके अपने प्रिंसिपल के पास जाके सील और सिग्नेचर लगवाएं, और जो फॉर्मेट दिया है वही जो है इसमें यहाँ पे मान्य किया जाएगा। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है, हिंदी भाषा में लिखा है, आप लोग समझ जाएंगे। नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र, और देखिए लिखा है परिशिष्ट वन, तो अभी मैं आपको परिशिष्ट वन की ओर ले चलता हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखें, जो आपका नर्सिंग कॉलेज है उसका जो प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, आपको फॉर्मेट प्रारूप आपको ले जाना होगा और प्रमाण पत्र आपको उनके द्वारा बनवाना है। अब मैं आपको परिशिष्ट वन ये क्या है तो इसकी जानकारी नीचे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखिए, परिशिष्ट वन लिखा भी हुआ है साफ साफ ऊपर, परिशिष्ट वन, तो ये पूरा फॉर्मेट है CCH का, और यही फॉर्मेट का प्रिंटआउट आप लोगों को निकलवाना है यदि आप लोग CCH वाली पोस्ट से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें यहाँ पे प्रोवाइड करानी है, आप लोग अपना नाम और जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, और जो भी आपका आप डॉटर हैं या फिर वाइफ हैं या फिर बेटे हैं, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन उसकी यहाँ पे देनी है।
मीन्स फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम, ये आपको इसमें आप पे लिखना है। और बीएससी नर्सिंग की है या फिर आप लोगों ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है तो ये जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। बाकी इसमें आपको अपने डिटेल और कॉलेज का जो भी सिग्नेचर है और जो भी सील है तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे लगवाना है, तभी आप लोग सीसीएच वाली पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट्स का डाउट यहाँ पे ये भी है कि उनके कॉलेज द्वारा पहले से ही ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट दिया गया है सीसीएच का, तो वो क्या इसमें आप पे अपलोड कर दें। तो देखिए यदि सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए ही होता तो ये वाला फॉर्मेट ये आप लोगों को यहाँ पे क्यों देते और ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में क्यों देते और ये क्यों लिखते कि आपको ये बनवाना है। ये तो बाद में भी हो सकता था और ये आपके पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल भी है। कुछ ना कुछ इस चीज़ का यहाँ पे सेंस यहाँ पे ज़रूर होगा, तभी आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट दिया गया और इस फॉर्मेट को आप लोगों को बनवाना ही होगा। यदि आप लोग सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे किए हुए हैं तो आप लोग अपने नर्सिंग कॉलेज के जो भी आपके प्रिंसिपल हैं वहाँ पे जाके आप लोग अपना सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ पे ज़रूर बनवाना होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें यहाँ पे कवर की और जितने भी कैंडिडेट्स को प्रीवियस पेपर से ये MPCHO के तो प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। 2019 से जितने भी एग्ज़ाम हुए तो टोटल मेरे पास 6 अलग अलग क्वेश्चन पेपर ये रहेंगे। 6 पेपर की ये PDF फाइल यहाँ पे रहने वाली है, सभी शिफ्टों के ये क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। और किस तरीके के सवाल इनमें पूछे गए थे, सवाल का पैटर्न यहाँ पे क्या था, किस तरीके की डिफ़िकल्टी लेवल थी, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा यहाँ पे कवर किए गए थे, तो ये जानकारी प्रीवियस पेपर्स में आप लोग चेक कर सकते हैं। 6 पेपर्स की जो PDF फाइल है ये 150 रुपीज़ में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। और चैनल का व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ, 7415543659। व्हाट्सअप पे आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए, सारी डिटेल्स प्रीवियस पेपर्स की आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से, वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे की जानकारी भी आगे आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।